पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला। आपको बता दें एमएचए की टीम पहुंची फिरोजपुर, यह आप तस्वीरें देख सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर करेगी बैठक, फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर के साथ करेगी बैठक। बैठक में चूक के कारणों की लेंगे रिपोर्ट कि किस कारण की वजह से ये चूक हुई थी, इसे लेकर रिपोर्ट ली जाएगी। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला, जिसमें एमएचए की टीम फिरोजपुर पहुंच चुकी है, आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर के साथ बैठक करेंगे, बैठक में चूक के कारणों की रिपोर्ट लेंगे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप देख रहे हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर। पीएम मोदी की सुरक्षा में जो चूक का मामला सामने आया था, उसे लेकर एमएचए की टीम अब फिरोजपुर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर के साथ बैठक करेंगे, बैठक में चूक के कारणों की रिपोर्ट ली जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, एमएचए की टीम फिरोजपुर पहुंच चुकी है। आपको बता दें जहां आज फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर के साथ बैठक की जाएगी और इस बैठक में चूक के कारणों की रिपोर्ट ली जाएगी। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर फिरोजपुर से सामने आ रही है, जहां एमएचए की टीम फिरोजपुर पहुंच चुकी है और आज ये टीम फिरोजपुर में डिप्टी कमिश्नर के साथ बैठक करेगी और इस बैठक में पीएम मोदी के सुरक्षा में जो चूक हुई है उस पर रिपोर्ट ली जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, फिरोजपुर से सामने आ रही है। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक जो हुई है उस मामले पर एमएचए की टीम फिरोजपुर पहुंच चुकी है, जिस पर डिप्टी सीएम डिप्टी कमिश्नर के साथ बैठकर इस पर बैठक होगी और साथ ही किन कारणों की वजह से यह चूक हुई है उस पर रिपोर्ट मांगी जाएगी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, तो इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, आज फिरोजपुर में एमएचए की जो टीम है वो भी वहां पहुंच चुकी है और बैठक भी यहां की जानी है, तो क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पंजाब के अंदर प्रधानमंत्री जी के जो रास्ते के अंदर जो कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन हुआ था और उससे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का रास्ता जो बदल दिया गया था, जिससे कहीं ना कहीं परेशानी जरूर हुई थी, मगर उसी को लेकर कहीं ना कहीं अब सुरक्षा का जो चूक हुई थी उसको लेकर बड़ी बैठकें की जा रही है। यहाँ तक की एक टीम बनाई गई है, जो टीम जो है वो पंजाब जाएगी और वो पंजाब पहुंच भी चुकी है। लगातार कहीं ना कहीं हर तरीके से ये कोशिश की जा रही है जिस तरीके से सुरक्षा के अंदर चूक हुई है उसके अंदर कारण क्या थे और किन के द्वारा ये चूक की गई थी, ये सारा जो जांच का विषय है और उस जांच के अंदर अब कहीं ना कहीं हर तरीके से कमेटियों के द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है। इसको लेकर केंद्र सरकार के द्वारा भी कमेटी बनाई गई है और राज्य सरकारों के द्वारा भी जांच की जा रही है। जी, ये बैठक कब तक होगी, इसका कुछ इस पर कुछ अधिक जानकारी आपके पास है? देखिए, सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी मिल पा रही है कि बैठक जल्दी शुरू होने वाली है और उसके लिए कहीं ना कहीं बड़े कदम उठाए गए हैं और लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के काफिले के अंदर जो चूक हुई है उसको लेकर बड़ी कोशिशें जरूर की जा रही है और जो कमेटी किस तरीके से कार्य करेगी इसके अंदर भी कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जाएगी, मगर देखना होगा इस बैठक से कितनी बड़े कदम उठाए जा सकते हैं और जहां तक की जो सुरक्षा के अंदर चूक हुई है उसको लेकर किस तरीके से कोशिश की जाएगी, ये सारा मामला जो है वो इस बैठक के बाद ही डिसाइड होता हुआ नजर आएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात वाकयात की हर खबर की हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जीओटी मोबी ऐप एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी इंस्टाग्राम ट्विटर गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज
आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।